हाँ जी सानी साहब, ऐसा है प्रभु, जो भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, पहली से 16वीं तक की बता दो तो कौन सी थी। 16 कला ये इनके प्रश्न के मैं बताता हूँ आपको। पहली भी 16 ले लो। हाँ जी, आपका क्या था प्रश्न? एम जैसे चल रहा है, आप कह रहे हो कॉस्मोस जो एम दे रहा है वो उसको चलने दो। हाँ अब उसके बीच में आते हैं शौक, हिंदी वाले शौक। मेरे ये शौक है कि मेरे को ये बनाना है, ये करना है। अब जैसे मोदी के एग्जांपल में ही, या तो उसको दे देते हैं सूट 30-35 लाख का, या फिर तो उसके वो नए नए कपड़े बनाता रहता है। तो लोगों के ऐसे बहुत सारे शौक होते हैं। अब उसके अंदर या तो मैं अपने आप को बैंकरप्ट कर लूं शौक में, मेरी तो नीड समझ के मैं बना रहा हूँ क्योंकि एम तो मुझे मिल ही रहा है और मैं नीड समझ के बनाए जा रहा हूँ, तो वहां पे बैंकरप्ट होने के चांसेस भी आ जाते हैं। उस केस में क्या करा जाए, शौक को कितना मारना है? उन्होंने बोले कि अपने शौक को कितना मारना है, अपने एक भी शौक को नहीं मारना है, पर शौक पूरे ना हो तो रोना नहीं। एक्सेप्ट हम फोटोकॉपी बना के रोना पिटना शुरू कर देते हैं, इसको साइंस के हिसाब से समझिए आप। ये है हमारा मूलाधार। मूलाधार के ऊपर चार चक्के, आपने दो पहिए का फैन देखा है, एक फैन होता है, ऐसे पंखा होता है, इसमें बीच में गोला होता है और एक पंखड़ी यहां होती है, एक पंखड़ी यहां। अरे पंखा चलता उड़ा दे बंदे को खत्म तहस नहस। फिर एक आता है चार पंखड़ी वाला, ऐसे चलता है पंखे, ठीक है। ऐसा एक पंखा लगा होता है हमारे शरीर के अंदर, ये ऊर्जा के केंद्र है हमारे शरीर के अंदर, नर्व एंडिंग्स। ये ब्रेन है, ये हमारा हार्डवेयर है, इसके अंदर माइंड है मुन्ना, वो सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशन है धागे धागे, उसे हम नर्व्स बोलते हैं, नर्वस सिस्टम, नर्व्स। वो नर्व पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। इन नर्व्स के गुच्छे हैं खास, एक गुच्छा यहां है, एक गुच्छा यहां है, यहां है, यहां, ऐसे ऐसे गुच्छे हैं। ये जो गुच्छे हैं, इन गुच्छों के एंड पर बायो एनर्जेटिक फील्ड बनता है, एक एनर्जी का फील्ड बनता है। उस फील्ड की वजह से यहां पर एनर्जी गोल गोल घूमती है, गुरु 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 ऐसे घूमती है। यहां का पंखा जो है उसमें दो दो पंखड़ियां हैं, यहां के पंखे में चार है, ये 6 है 10 है 12 है 16 है, और ये है 2 × 49, और ये है 960 + 12 1000। अभी करते हैं इसकी बात, इसीलिए इसको सहस्रारा बोलते हैं। ये पंखा 1000 पंखड़ी, मतलब इतना गजब की फिल्ट्रेशन होती है। आप सोच के चले, आपने गाड़ी चलाई, शुरुआत का पहला गियर कैसे होता है, वो उठाता है गाड़ी को, उठाता है बहुत, उसके अंदर एक कटोरी होती है, उस कटोरी के अंदर गियर जो होता है वो जाता, पहला गियर ऐसे जाता है और वो उसको घुमाता है, ऐसे गोल घुमाता है, इतनी पावर होती है पहले गियर में, वो गाड़ी के चक्के हिला डालता है, खड़ी गाड़ी, बड़े से बड़ा ट्रक, बड़े से बड़ा बुलडोजर, पहली गाड़ी का ये हाल होता है, इतना ऐसे चलता है। उसके बाद थोड़ी सी गाड़ी चल पड़ी, मोशन में आ गया, तो ये जो बंद है ये ना ऐसे खुल जाता है अगले गियर के लिए, और तेज घुमाता है, फिर अगले गियर के लिए और खुलता है, फिर और खुलता है, और स्पीड बढ़ती जाती है गाड़ी की, लगातार स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो आप चौथे गियर से गाड़ी नहीं उठा सकते, इतने बड़ा, इतने बड़े स्कोप से, इतने सारे उसके अंदर पंखड़ियां हैं, यहां से नहीं उठाएगा, ये बंद हो जाएगी गाड़ी, वो उठाएगा यहीं से। तो सबसे पहले जो है, सबसे छोटे चार स्पोक्स होते हैं, चार, फिर होते हैं 6, फिर बढ़ते जाते हैं पहिए। नर्व एंडिंग्स के गुच्छे भयंकर रूप से बढ़ते जाते हैं, और ये नर्व एंडिंग के गुच्छों को चक्र बोलते हैं, जहां जहां ये खत्म होते हैं। ये कहानी के चार है तो ब्रह्मा है, इसलिए चार मुंडियां हैं, ये विष्णु है, दो इसमें हाथ जो है वो पार्वती की, इसके लक्ष्मी के हैं, कौन सी मैरिज खराब कर रहा हूं मैं। ऐसे चलते चलते ऊपर जाते हैं, तो ये पैर में चलते हैं, दो का यहां होता है इडा और पिंगला, तीन तीन यहां होते हैं, पांच पांच यहां होते हैं, 6 6 होते हैं, 8 8 होते हैं, ठीक है जी। और ये हमारी तीसरा नेत्र है, यहां पर एक चक्का ऐसा होता है, इसके बीच में एक होता है, और यहां 49 ऐसे गोलियां बनती है, ऐसे मान लो दूसरा चक्र यहां होता है, ये भी एक होता है, इसके भी 49 बनते हैं ऐसे गोले। तो ये वाला चक्र है, इसके गोले, ये एक्चुअली है कृष्ण के 16 कला समझने के लिए आवश्यक है। उसके बाद हमारा जो ये चक्र है, ये ऐसा गोला बनता है एनर्जी का फील्ड, यहां सेंटर से यहां 12 पंखड़ियां होती हैं इसकी, और इन 12 पंखड़ियों के साथ यहां पर पंखड़ियां होती हैं ढेर सारी, ये होती है 960, तो टोटल बनती है 972, इस तरह से कहा जाता है। डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसके आगे मुझे ज्यादा आता भी नहीं है। तो ये जो चक्के गोल गोल घूमते हैं, ये हमारे अंदर की कलाएं हैं, ये है पशु चक्र। हमारे शरीर के अंदर ये जो 12 स्पोक्स बीच में है, ये 12 बीच वाले, इसको इंग्लिश नेम दिया गया क्रेनियल, क्रेनियल नर्व्स। ये हमारा ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक विजुअल, देखना, हम संसार को आंखों से देख रहे हैं, आंखें बंद करके थर्ड आई से देख रहे हैं, इसलिए यहां के चक्के बहुत स्पीड से चलते हैं। जब बहुत स्पीड में गाड़ी होती है हमारी, तो हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं, यानी दिमाग इतना साए साए भाग रहा है,
साला कोई चीज ऐसी नहीं जिसका उत्तर नहीं मिल रहा, हमारा दिमाग एक्चुअली यही काम करता रहता है। ये है माया, ये दोनों माया के चक्र हैं। और ये है पाताल का रसातल, पाताल तल तला तल रसातल पाताल, बहुत सारे लफड़े हैं, इससे आगे मुझे आता भी नहीं, मैंने सिर्फ तलवे की वजह से कह दिया क्योंकि कचौड़ी तली भी होती है। ये दो होते हैं, इसमें एक इधर होता है एक इधर होता है, पाताल के दो, दो चार छह दस बारह सोलह फलाना ढिकाना। अब हमारे पास यहां से शुरुआत होती है, बहुत तेज गति से जाता है, लेकिन ये जो बिल्कुल मध्यम चल रहे हैं, सबसे मरी हुई स्पीड, बस थोड़ा खिसक रहे हैं, वो जीवन में सिर्फ खिसक रहे हैं, फिर गेयर खुला, थोड़ा आगे गए, फिर और खुला, फिर और खुला। ये रॉकेट है, ये वो लोग हैं जिनको एम का स्यापा ही नहीं है, कॉस्मोस उन्हें अपने आप एम देता है, अपने आप काम करता है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये अक्सर होता है मेरे साथ, मैंने कुछ सुना, हफ्ते में देखा, पता किया, कोई कहानी आ गई, किसी ने क्लास बनवा दी, किसी को समझाने बैठ गए, यही बकवास, पता लगा क्लास बन गई, लिख लिए फर्रे, उसके फर्रे मैंने इस क्लास के जब बनाए तो चौथी क्लास में काम आते हैं, और तब याद नहीं रहते, पता नहीं कौन बताता है, अच्छा वो भुलाता कौन है मुझे, कॉस्मोस कहता है ये ज्ञान ही आएगा, इसे अगले में बताना, ऑटोमेटिक खिसक जाता है। कुछ फर्रे ऐसे हैं जो दो दो साल पहले के अपने आप सामने आते हैं, वही पन्ने खुल जाते हैं। ये क्या होता है? ये अपने आप होता है, अपने आप कान होता है। जब तक मेरी खोपड़ी में ये घुसा हुआ है, अब कोई और कर रहा है क्लास, मुझे ना पता, मुझसे पूछो ना पिछली क्लास आपने ये कहा था, मुझे तो धेला पता है, अपने को वाकई पता नहीं, क्योंकि बोला ही मैंने नहीं, पता नहीं कौन बोल रहा है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? माध्यम, हम सब माध्यम है, अपने आप को इससे ऊपर समझना मूर्खता है। कृष्ण ने यही कहा है, अरे कारण हो, तुम किसी को नहीं मार रहे, कोई किसी ब्लेम ना ले, कोई चौधरी ना बने, मैंने किया, ये मैंने को छोड़ दिया, पेशेंस आ गई, सरेंडर कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, दफा करो, जब होगा तब होगा। टाइम हील्स, टाइम लगातार कुछ करता है, हर चीज का समय आता है। आपने कॉस्मोस पे छोड़ दी चीज कि ब्रह्मांड करेगा, यार भगवान करेगा, परमात्मा, जो भी शब्द है, टाइम आएगा, हो जाएगा, समय आपको देता है। दो भिखारी एक घर के सामने गए रोते हुए, एक थोड़ा पीछे खड़ा था, एक आगे, बोले माई कुछ दे दे, माई ने देखा एक भिखारी खड़ा है, वो गई घर की पड़ी बासी रोटी फूटी उठा के दे आई, बोले ले दफा कर, सोचा यार वैसे भी खत्म नहीं हो रहा था, फिर उसने सोचा आते हुए, यार क्या पुण्य सोचा मैंने, देते हुए दफा ही किया, साला खिलाया तो किसी को कुछ है नहीं, ये तो पाप सही हुआ, बोले चलो देखती हूँ। इतने में दूसरा आ गया, अरे माई मुझे भी दे देती, माई बोले अबे तू कहाँ था, आधी आधी कर लेते, माई वो तो ले गया माई, और मुझे अंगूठा चिढ़ा रहा है, तेरे लिए कुछ नहीं, बोले अंदर चली गई। अब वो पहला भिखारी बोला, देखा देखा, अब मुझे मिल गया, साले तो भूखा नंगा ऐसे ही मर जाएगा, तुझे कुछ नहीं मिला, बैठा रहा, बोले यार अब क्या कहूँ, भगवान ही मालिक है भाई। अंदर उस माई के हृदय में फीलिंग आई कि इसे भी दे दूं, यार पुण्य तो कमाई लू, साला ये तो अजीब सा पाप हो गया, बासी रोटी क्या अचार डालेगा, बाहर वो भिखारी चौड़ा हो रहा, देखा मैं तो खा रहा हूँ मजे में, बासी तो क्या हुआ, मुझे मिल गया। आधे घंटे तक बैठा बैठा वो बैठा रहा, यार भगवान की मर्जी है, क्या करूं, मुझे नहीं मिला नहीं मिला, समय परमात्मा जानता है। आधे घंटे में अम्मा थाली सजा के लाई पत्तल पे, रोटी सब्जी अचार पापड़, बोले ले ये खा, तुझे भोग लगाऊं। उसने कहा भाई यार शब्द कहे जाते हैं, परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं, हर चीज का समय आता है, ना पहले मिलेगा ना बाद, जल्दीबाजी मत करो। महाभारत का युद्ध लड़ना ही 18 दिन है तो लड़ना ही है, ये अक्सर बात मेरे को भी लोग कहते हैं, 2 मिनट की बात थी जी हमें समझ आ गई, मैंने 2 घंटे सुनी इसलिए आई, 2 मिनट के लिए सुनोगे कुछ समझ ना आएगा, देर है अंधेर नहीं, इतनी बात कहने से समझ आएगी, इस पे क्लास करा लो तब घुसेगी खोपड़ी में। बच्चे को 10 साल 15 साल तक तो स्कूल भेजने की आदत डालते हैं, फिर जाके वो मां के साथ आत्मसात होता है। अब पति पत्नी कहते पहले दिन से प्रेम हो जाए, उनको भी आदत डलती है 3 साल की, तब कहीं टिकते हैं, अदरवाइज तो लड़ेंगे भी झगड़ेंगे भी, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये हमारे 4 कला है, 6 कला 10 12 16, ये जो हमारी 12 क्रैनियल नर्व्स होती हैं, ये हमारे 12 रीढ़ की हड्डी को पकड़ती है। यहां 8 हाथ का पेयर चलता है, रीढ़ की हड्डी हमारी है पीछे, ये रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, डेमो फिर आप आना चाहते हो, आप नहीं मानोगे, कल ही हेयर कट कराया, आ जाओ, घमंडी लोगों का तो सिर में ऊंचा करके छोड़ता हूँ, देखो मुंह नहीं दिखा रहा, किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, मुंह दिखाने लायक। यहाँ हमारा मेडुला ऑब्लोंग आता है, ये वो पोर्शन है जो हमारे सूर्य की ऊर्जा को खाता है, हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें सूर्य की ऊर्जा खींच रहे हैं। ये एक खोपड़ी है, दूसरी खोपड़ी, ये बीच में मांग भरो सजना, अरे लेडीज की मांग इसीलिए बीच में रखी जाती है क्योंकि सिंदूर लगा के पारे से बंद कर देते हैं, यहां से यहाँ की ट्रांसमिशन आउट इसी से शांत रहती है, थर्ड आई बंद कर देते बिंदी लगा करके, पारा होता है उसमें बंद, ब्लॉक, थर्ड आई ब्लॉक, हल्ला ही नहीं मचाती, गुस्सा ही नहीं करती। पुरुष जो नहीं लगाते वो चप्पल लेते हैं अपनी, माथा फोड़ते हैं, इस पे कभी और जाएंगे। ये आपका 2 सेरेब्रम्स है, यहाँ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये लिक्विड है, ये अमृत चक्र है,
ये अमृत चक्र मेडुलोब्लोंगाटा पहला हिसाब, यहां से हमारा सहस्रारा का सिस्टम है, 1000 स्पोक्स, 1000 चक्के का कार्यक्रम। इसके नीचे ये हमारे 8 हड्डियां हैं, इसके नीचे ये क्रेनियल नर्व है, और क्रेनियल नर्व यहां तक थोरेसिक, ये नाम दिए हुए हैं, उसके नीचे लंबर है, फिर कॉक्सिक्स। चाय मेरी यही है, मेरा पिता मंकी भी आता है, मेरी चाय। तो ये जो है यहां आता है हमारा रीढ़, ये गर्दन की हड्डी, आपको सर्वाइकल क्यों होता है, इसलिए सी सर्वाइकल क्यों होता है, पीठ में दर्द क्यों, फलाना इसलिए होता है, जहां के ऊर्जा के चैनल खराब कर दिए, इसलिए 16 कलम में रहो बंद करता है। यह है C1 C2 C3 करके 3 4 5 6 7, और थोरेसिक का पहला T1, ये जो है ना, ये 11 बना हुआ है, यहां है सारी। ये कहते हैं लोग आई ऐसे नहीं कहता, उई माँ मम्मी को याद करते हैं, माँ की शक्ति लेते हैं। ये हमारे 8 होते हैं, 8 पोर्शन है, इनके बीच में से ये गुच्छा जाता है, पहला चक्र यह जाता है विशुद्धि चक्र, विशुद्धि मीन्स प्योरेस्ट। यह है 16, यह है कृष्ण प्योरेस्ट। इसके बाद आता है हमारा T1 T2, सोनू के T2 भी स्वीटी, 3 4 5 6, नहीं T1 तो हो गया यार, T2 से स्टार्ट होगा, 6 7, यहां पर है 5 8 9 10 11 12, मैं 12 भी बोल सकता था लेकिन 12 यहां बोल चुके हैं, थोड़ा फर्क करना था 12। फिर हमारे 3 L1 L2 L3 लंबर नाम है ये, L4 L5, फिर यहां पर है कॉक्सिक्स, ये है पाताल, ये 5 है नीचे के S1 S2 S3 4 5, ये इकट्ठा फ्यूज्ड है, कॉक्सिक्स है, टेल बोन, इसको रख लेते हैं, ये कहीं सभ्यताओं में ऐसा है कि इसको रख लो, अगले जन्म में ही होगा, ये हड्डी के द्वारा मनुष्य को दोबारा जीवित किया जा सकता है, ऐसे अलग एक रिलीजन में है। एनीवे, ये S1 S2 S3 S4 S5, जब आपके इन दोनों और इसमें गैप आता है, मींस आप माया में उलझे और परेशान हो, तो बिल्कुल टेल बोन पे पेन आता है, जयते मोह में फंसे व्यक्ति का, इसके बीच जब गैप आता है तो मैं अपनी औकात पर रोपिटरो, कमर में दर्द तब आती है, लेडीज को अक्सर ये होता है, मेरा क्या मौजूद है, और कमर की दर्द शुरू हो जाती है, ये हिस्सा भारी हो जाता है और तकलीफ, चलते फिरते परेशानियां। या जो यहां आ गया S1 कॉक्सिक्स पे, उस व्यक्ति को कभी पैनिक नहीं करना है, जिंदगी में गैप भी होगा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पैनिक चक्र है, किसी हालत में नहीं, ऐसे आप ऊपर जा रहे हैं, ये 5 है, ये पंचमुखी हनुमान का स्थान है, पर लंबी चली जाएगी, इसलिए 5 हड्डियां, जहां जहां के नर्व के गुच्छों पे खराबी है वहां दिक्कत होगी। 12 कला संपूर्ण, राम है मर्यादा अनुसार, और ये प्योरेस्ट कृष्ण, ये है स्पेस। वॉशिंग मशीन भरते हैं लोग, पूरी भर देते, इतनी भर देते कि पानी भी सांस घुट जाता है, उसका मुंह मर गया, कहां जाओ, कोई जगह भरो मत, स्पेस खुली छोड़ो, खुली जगह, आपके घर में खुली जगह हो, आपके हृदय में खुली जगह हो, आपके जीवन में खुली जगह हो, आप नोट लेते हो ठूंस के रखते हो, दीमक खाए, खुलापन, स्पेस, बीमार हो खुली जगह में जाओ, खुलापन, घर में खुलापन दो, लड़ रहे हैं, तू 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 तक तू तक तू दिया। ये जो ऊपर के चक्र पे हम जा रहे हैं, ये 16 कला संपूर्ण कृष्ण का स्थान दिया गया, 16 आने सच यानी कि प्योरेस्ट, सबसे ऊपर विशुद्ध, विशुद्धि, ये 16 आने सत्य है कि यहां पर ही जहर होगा। शिव क्या कहते हैं, संकेत देते हैं, नीला गगन अनंत, नीला रंग क्या है, नीला रंग होता नहीं है, जहां तक आंखों का विजुअल कॉर्टेक्स देख नहीं सकता वहां रंग नीला दिखने लगता है, इसलिए समुद्र की गहराई नहीं पता, अंत नहीं पता, आकाश, इसीलिए मैं नीला धागा बनाता हूं, मेरे सारे राज खुल गए, CBI CIDCID FBI पता नहीं ABCD, तो इसीलिए, हालांकि उसका दूसरा कारण, हाँ ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर वो बहुत ही डिफरेंट है, उसमें हम 6 और 8 घर में काम करते हैं, येलो नहीं पकड़ पाया, येलो बिकॉज डर्टी फेलो, ये प्योरेस्ट है, यानी आप कमीने हो, आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस, किसी की परेशानी नहीं, आप कभी शिकायत ही नहीं करते, आप जब शिकायतें बंद कर दोगे जीवन से, लोगों से, आप ऊपर के चक्कर पे आ जाओगे, कृष्ण काम करके देगा आपके लिए, कृष्ण काम कैसे करेगा, स्पेस चक्र जब खराब है तो बॉडी में यही पोर्शन डिस्टर्ब रहेगा, स्पेस चक्र खराब होता है तो यूजुअली थायराइड हो जाता है, अब ये कहीं चोकिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, हाँ माता की चोकिंग हो जाएगी, माता की चोकिंग, मुझे पता तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, आएगा अभी घर पे आएगा, वो कचौड़ी चौड़ी खिलाएंगे क्या चीज, आधा सेकंड आधा घंटा, इन्होंने पूछा है कि स्पेस चक्र को खोले कैसे, स्पेस चक्र की सीधी सी बात समझ लो, सबको आने दो, सावन को भी आने दो, सबको आने दो, सबको एक्सेप्ट करो, तुझमें ये कमी है, तुझमें वो कमी, कोई बात नहीं, मुझसे किसी कई बार ये प्रश्न आता है, मैं अपनी महानता बता रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, कोई अक्सर कहते हैं बीच बीच में लोग आते हैं, आप एंट्री ऑन करा देते हो, मैं कहता हूं भाई उन्हीं की कृपा से चल लिया है,
एक नया ग्रे मैटर आता है जब कोई नया व्यक्ति क्लास में आता है, ये लेके आता है, ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी में एक प्रश्न है, सारे प्रश्न यही है। उसकी खोपड़ी जिस क्षण मुझसे कनेक्ट होगी, मैं आ गया बीच में, मेरे से कनेक्ट होगी, मेरे ग्रे मैटर में क्या होगा, उत्तर पैदा हो जाएगा। वो व्यक्ति मुझे शिक्षित कर रहा है, मुझे सिखा रहा है, मुझे धेला नहीं आता बहुत कुछ, पर वो कनेक्ट होता। अब वो कनेक्ट कैसे होता है, ये एक राज है। हाँ जी, आपका प्रश्न बताइए। मैंने पूछा था भैया कि नी पेन जो होता है, नी पेन देखो घुटने की पेन बोली इन्होंने। अगर आपके जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं और आप खुद को रोक रहे हैं तो राइट घुटने में पेन होगा। आपके जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं और कर पा नहीं रहे तो लेफ्ट घुटने में पेन होगा। सोचिए ऊर्जा कैसे काम करती है, कितना विचित्र है। आप अटक पटक पे चल रहे हो, कर नहीं पा रहे, जिंदगी करने नहीं दे रही, ऐसे होता है। तो यानी कि सही है, फिर इतना है, माइंड से ऊर्जा निकाल दो, 16 कला पे जाओ, एक्सेप्ट एवरीथिंग के लिए आपको क्या करना है। अब आते हैं हम असली सच्चाई पे, जीवन की जीतू की जीत है, जिसके दोनों पांव में। ओह, द पेन इज मेंटल, इट इज मेंटल ऊर्जा, इमोशनल ऊर्जा फंस गई है। आप कुछ बेबसी महसूस कर रहे हो, कुछ करना चाहते हो नहीं रहा, इसलिए बॉडी पे वो ऊर्जा फंसी रहती है। अच्छा, पर वो कैसे पता चलेगा कि क्या करना चाह रहे हैं? पूछो खुद से, आप क्या करना चाहते हैं, पूछिए। आपके जीवन में संवेदनशीलता खत्म हो गई है, या आप दूसरे को रोकना चाह रहे हो, या खुद कुछ करना चाह रहे हो, सामाजिक डर से कर नहीं पा रहे हो, आपको कोई मना कर रहा है, कोई रोक रहा है, कोई हालात ऐसे बने हैं, आपके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा फंस जाती है। इसके पीछे ये रीजन होता है कि मुन्ना जब बॉडी को चलाता है तो बॉडी अंधाधुंध चलती है, वो फॉलो करती है, बहुत शॉर्ट बता रहा हूं। तो बॉडी चाहती है मूव करना, लेकिन हम रोक रहे हैं। किसने रोका है? ऊर्जा ने रोका है। बॉडी तो करिए, हाँ बस चलने को तैयार हूं। ये पॉइंट है, अब डिटेल हो जाएगी इसकी लंबी। एक क्वेश्चन है। नहीं है प्लीज। आप कहते हो कि थोड़ी मेहनत करो, बट अपने आप को बेटर बनाना और उसे पुश करना बेटर करने के लिए, आपको पता है आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए काफी काम करना, वो मेहनत है या वो क्या है? इन्होंने बोला है कि अपने आप को बेटर बनाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और बेटर बनाने के लिए हम थोड़ी ज्यादा मेहनत करें, कम मेहनत करें। हम बेटर क्यों बनाना चाहते हैं? क्या हम मिनियंस हैं? बनाना जिन्होंने मिनियंस नहीं देखी उन्हें समझ नहीं आएगी, एक मूवी है। हम अपने आप को बेटर क्यों बनाना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं है। कॉस्मोस को क्यों नहीं कहते आई एम द बेस्ट, आई एम ऑलरेडी द बेस्ट? आपको कॉस्मोस इस लेवल पे सुखी किए बैठा है और आपकी महत्वाकांक्षाएं दुखी है। आप यहां आ जाओगे और यहां दुखी हो जाओगे। प्रमोशन पाके दुखी होते हैं ऐसे लोग रोते हैं, बड़ा घर चाहिए, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, बेटी वैसे, और जब हो जाता रोते हैं ये क्या होगा, खुद बच्चे को ब्याह और रोते हैं यार क्यों करा दिया। यही तो जानना है, आई एम द बेस्ट कह के हमें घमंड पे भी नहीं पहुंचना है यार, कमाल हो गया। फिल्म देखे यार, वैशाली की नगर बदू नहीं यार, ये क्या बोलो। चित्रलेखा, उसमें महमूद को भेजा जाता है सामंत बीज गुप्त के पास, और गुरु भेजता है, गुरु कहता है बेटा तेरी शिक्षा अधूरी रह गई है, वहां जा गुरु भाई के पास। सामंत बीज गुप्त महायाश, पूरे महल में सिर्फ कन्याएं स्त्रियां। अब महमूद आता है वहां पर, कहता है यार गुरु गुरु घंटाले साला कहां भेज दिया मुझे माया में, कहां तो मुझे गद्दी देता महंत की, उल्टा कहता है इससे शिक्षा लाओ, और ये तो साला महायाश आदमी है। बड़ा परेशान है ना। अब वो जाता भाई, वहां स्त्रियां द्वार खोलती हैं, उसको कहती हैं आपके वस्त्र दीजिए, फलाना दीजिए, चप्पल दीजिए, पादुकाएं बदलिए। कहता हमें मत छुओ, हमें मत छुओ, ये तो पाप है पाप है। सोचता है चला ही जाओ। फिर कहता है यार गुरु ने बोला है, पर यहां सर गुरु गुरु घंटाले ये किस पे भेज दिया शिक्षा के लिए, गुरु ही सिखा देता। फिर प्रदीप कुमार दिखाई रो, तो वहां जाता है बात करता है उससे, बोला भाई हमें गुरु जी ने भेजा है। बोले आइए गुरु भाई, बैठिए बैठिए, आपका भाई महल में इंतजाम किया जा रहने के लिए, फलाना ढिमकाना। तो कहता है कि यार मुझे समझ नहीं आया भाई, मुझे ये बताइए आप इतने अय्याश हो और गुरु जी ने आपके पास भेज दिया, आपके महल में तो स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। बोले तो क्या हो गया, ये भी जीवन का अंग है? बोले ये कैसा अंग है, ये तो पाप है, ये तो नरक का द्वार है, फलाना है, ये तो माया है, भोग है, विलास है। बोले हाँ तो कोई नहीं, विलास भी करो। बोले ये कैसा विलास करो? बोले मैं बता रहा हूँ, मेरे कक्ष में स्त्रियां बाती रहती हैं, वो कहती हैं ये लो वो लो, वो छूती रहती हैं मुझे नहीं अच्छा लगता। बोले कोई बात नहीं भाई, स्त्रियां तुम्हें छूती हैं छूने दो, तुम्हें स्त्रियों को नहीं छूना है, आपको माया छूती है छूने दो, आपको माया को नहीं छूना है। आपको भगवान ने BMW दे दी, बिल्डिंग दे दी, आपको पागल नहीं होना है। स्वयं जानो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, छूने दो, क्या फर्क है। आपके जीवन में क्या मिला आप उसी में लिप्त हो गए। मुन्ना टच एंड गो करता है, पागल क्यों हो जाते हो? आपको पागल नहीं होना है। कमीना मींस मुझ में ये कमी नहीं है कि मैं अब लिप्त हो जाऊंगा, पागल हो गया, गाड़ी मिली, स्त्री मिली, कुछ मिला, आप फिर तटस्थ हो, मस्त हो। कॉस्मोस पलट पलट के देगा, मार मार के देगा, जबरदस्ती देगा, पैरों में देगा। बड़ी
रसगुल्ला रखो पानी ना बने, ये क्या बात है? बहुत गजब बात की, अरे कमाल की बात की इन्होंने, मेरी ऐसी तैसी फेर दी इन्होंने कि मुंह में रसगुल्ला रखो और पानी न बने, ये पूछा इन्होंने। ऐसे कई लोग आए हमारे पास जी, जीवन के अंदर परमात्मा ने क्या कराया कि जी शुगर हो रही है, बॉडी इंसुलिन फेंके जा रही है, अब शुगर बनती जा रही है। अच्छा क्या किया, डॉक्टरों के पास हुआ है जी, विजय जी आप ही कुछ बताए, मतलब ये टॉर अपनी कॉलर नहीं आज। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे कल्पना कर लो। अब उन्होंने बोला कि जी आप शुगर ठीक कराओ, मैंने कहा कमाल है, तो बहुत मुश्किल से काम है, मुश्किल से करा दूंगा। तो उनको समझाया गया कि शुगर कैसे बनती है। हमारा शरीर इतना मासूम हैगा बॉडी ब्रेन टिंकू कि वो कहता है यार क्या आ रहा है, जब तक टेस्ट मुन्ना बताएगा नहीं मैं खाऊंगा नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनको रसगुल्ला पसंद ही नहीं है, यानी मुन्ना को इतना काबिज कर चुका है कि कौन खाएगा यार, मीठा मीठा हो रहा है, मेरे बस की नहीं, कहते ये नहीं खाना। कैसा कमाल का माइंड ट्रेंड है मुन्ना, कैसा हो गया। मुन्ना कहता है चाहिए रसगुल्ला, जीप पे रखा, फटाफट बॉडी ने कहा ओके बॉस, फिचकिया हो, इंसुलिन फेंक दी, रसगुल्ले ने जो मिठास दी, इंसुलिन ने ताले खोले, सेट 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 सेट, शक्ति बना ली, सारे सेलों ने शक्ति ले ली, इस पे क्लास की हमने डायबिटीज, अब वो बॉडी फिट चल रही है। अब कुछ टाइम के बाद आपने जो लोग शिकायतें ही क्लेश ही करते रहते हैं, उन्हें बीपी और शुगर होता है, बहस ही करते रहते हैं, कमियां ढूंढते रहते हैं, शुगर होता है। पैंक्रियास में अहंकार रहता है, तो अहंकार के क्लेश में रहते हैं, शुगर होता है। कई हम्बल अहंकार होता है, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, मुझे जीवन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आप इस लायक नहीं थे, अकल नहीं थी, लाओ चलाक बनो, कमी नहीं बनो, मिल जाए। अब क्या होता है, बॉडी के अंदर चार पांच बार खाने के बाद बॉडी जान जाती है वही रसगुल्ला आ रहा है, जैसे सामने देखा मुंह ने पानी बना दिया, मींस इंसुलिन फेंक दी गई, बॉडी ने इंसुलिन का स्त्राव कर दिया, फिर आपने रसगुल्ला खाया और तैयार इंसुलिन मिली है, सारे ताले खोल दिए गए, सेलों के ताकत बन गई। अब धीरे धीरे आपने नाश पीट दिया, पैंक्रियास अहंकार से भर गया और ताले खुलने बंद हो गए, इंसुलिन बनना बंद हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, शुगर का मुद्दा। अब आपकी बॉडी के पास रसगुल्ला आया, आपने खाया चाहे नहीं खाया, मुंह में पानी बन गया, अंदर बढ़ गया सब, उसने हार्मोन फेंक दिए, सेक्रीशंस हो गई बॉडी के अंदर नेचुरली। अब आपकी बॉडी को शुगर मिली नहीं, रसगुल्ला मिला नहीं, बॉडी ने फेंक दिया, वो शुगर है बॉडी के अंदर, बोले खाते तो मैं नहीं। अब उसको बंदे को कैसे सिखाया गया कि ये प्रैक्टिस करके रोज आधा चिप्स खाएगा, रसगुल्ले को देखेगा, प्रैक्टिस करेगा, खाएगा नहीं, बड़ा कठिन है, बोतल सामने पड़ी हो और पिए ना, हालांकि बोतल रसगुल्ले का मुकाबला नहीं था, लेकिन मैंने मतलब हमारे प्यारे भाई अच्छे से समझ पाए इसलिए बोतल बोलना पड़ा मुझे तो बोतल है, लेकिन रोके कैसे, रोके कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात सहज हो गया, रसगुल्ला पड़ा रहा, कोई लेन देन नहीं, बॉडी ट्रेंड हो गई, ये तो रसगुल्ला तो पड़ा रहता है, कोई नहीं, कोई मुंह में पानी नहीं बना, उनकी शुगर ठीक हो गई, क्योंकि बॉडी को हार्मोन फेंक ही नहीं रही। तो ये बड़ा कठिन है कि मुंह में रसगुल्ला रखा और मुंह में पानी ना आए, और ये प्रैक्टिस के द्वारा सेट किया जा सकता है कि रसगुल्ले की जरूरत ही नहीं है। माया के बगैर सर्वाइवल नहीं है, कहा इन्होंने, बिल्कुल सही बात, इतनी माया देगा ही मुन्ना के सर्वाइवल हो, भगवान रोटी से ऊपर उठने नहीं देगा, रोटी की कमी नहीं देगा, सबका यही हाल है। ये कह रहे हैं कि एम क्या है फिर लाइफ का, पता चल गया सर्वाइवल है, भाड़ में गई दुनिया, क्या लेना क्या देना, अपने आप को जीवाना है, यही तो समझना है कि जिस दिन हमने जान लिया, आप इस समय 2 घंटे के लिए यहां बैठे हो इस तालाब में, या तालाब है सौरा के अंदर, अब आपके जो बाल्टी है, जो ये बाल्टी है ये आई है 2 घंटे की ओरा में कुछ ग्रहण कर रही है, कह रही वाह यार ये भी नया वो भी नया वाह वाह वाह, अब आप यहां से बाहर निकले, आप तालाब से बाहर गए, जिसके यहां छलनियां है, छेद है बाल्टी में, वो बाहर जाते जाते 5-10 मिनट में खाली हो जाएंगे, फिर वापस वही हो जाएगा, और जिसके वो छेद बंद हो गए वो बाल्टी भरी रखेगा और पूरे जीवन में ऐसे चलना सीख जाए। आप शुरू में छेद बंद करने आ रहे हो, नहीं तो लीक हो जाता है ज्ञान, कहते हैं लोग बहुत बढ़िया समझ गए जी, पर टाइम आने पे तो साला गुस्सा हो ही जाता है, टेंशन हो ही जाती है, ये छेद बंद कर रहे हो, धीरे धीरे आते रहो, फंसते रहो, आते रहो, होता रहेगा। ये जो अनूप जलोटा की बात है कि दूसरे की बीवी को अपनी समझे, मोटी है पतली है, ये सब मजाक मस्ती की बात है, नहीं, actually, इसे भी एक्सेप्ट करो, इसको भी बुरा अच्छा मत मानो, ये है कमीना, अच्छा नहीं है, लेकिन ये एक एग्जांपल हो गया कि अगर मेरे पास नहीं है तो एनवायरमेंट से अब्सॉर्ब करो, एंजॉय करो और आगे बस, ये उसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव हो गया देखने का बात का। लेकिन पॉइंट क्या है, कोई बंदा कुछ कह रहा है उसको भी कमियां निकाल रहे हो, वही तो बात है, राम में कमी निकाल ली कृष्ण में, मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है जब मुझ में कमी निकालते हैं, मैं कहता यार राम और कृष्ण में भी तो थी, अभी मैं वहां पहुंच जाऊं, एक बार मां का सपना पूरा करूं। कमियां निकालना बड़ा आसान काम है,
दस दस साल पुराने बाप पति बच्चे बहन भाई में कमियां निकाल देते हैं हम। किसी के जैसा क्यों बनना, अब सारा कृष्ण एक ही है, राम एक ही राम, उनके जैसा दूसरे तो हुए नहीं, तो हम राम और कृष्ण जैसे बनने की जरूरत क्या, उदाहरण है ना, फॉर एग्जाम्पल, फॉर ई डॉट जी डॉट, फॉर एग्जाम्पल कर लो खत्म, एग्जाम्पल एग्जाम्पल कह लो, क्या जरूरत है दूसरे की, आप यूनिक ही रहोगे, आपकी कोडिंग डिफरेंट है, आपका डीएनए टोटली डिफरेंट है, आपका मकसद क्या है, 16 कावड़ है, आप 4, 6, 8, 10, 12 जहां उठ सकते हो उठो, आपके वहां के स्पोक्स काम करेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सेट होगी, जब आप यहां बैठे हो खत्म, आपने नीचे शरीर को जीत लिया, ये केतु का स्थान है, राहु का है, ये सूर्य का है, चंद्रमा का है, ये उत्तरायण है, ये दक्षिणायन है, इसी के अंदर ब्रह्मांड के हमारे गोल गोल घूमते हैं सारे, अब ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा बात का। हाँ जी, जैसे आपने बताया कि जब ऊपर वाला भी टिड्डी देता है तो उसके बाद कुछ नहीं होना चाहता, एक्साइटेड नहीं होना, लेकिन उसको भोगना कैसे है सर, क्योंकि भोगना भी जरूरी है आपके, तो बहुत लोग भोग नहीं पाते। इन्होंने पूछा है कि ऊपर वाला जब चिज्जी देता है तो एक्साइटेड नहीं होना, आप ये बताते हो, हम एक्साइटेड होते ही नहीं, मुन्ना होता है और मुन्ना पिट पिटा करके सुधर भी जाता है, सीख भी जाता है, फिर ये कह रहे हैं इसको भोगना कैसे है, कुछ सालों की पिटाई के बाद भोगने लायक शिक्षा सीख जाओगे तो सीख भी लोगे और भोग भी लोगे, ऐसे भोगोगे, मिला बहुत बढ़िया, नहीं मिला कोई बात नहीं। एक लेडी के पास घर पर सब्जी देने दूसरी लेडी आया करती थी, बूढ़ी अम्मा, टोकरे में फल लेकर आई, सब्जी लाई, कुछ कुछ लेकर आई, तो एक दिन और घर आ गई, माई सामान खरीद लो, तो छोटा बच्चा देख रहा था कि मेरी मम्मी दरवाजा खोल के उस लेडी को बात कर रही है और फल देखे, फ्रूट देखे, सब्जी देखे, सारे देख रहा, बोली छोड़ ना, तो ये पालक ही दे दे मरे से, मुझे नहीं चाहिए। बोले ये क्या बात हुई अम्मा, मैं इतने सारे सामान लाई तेरे लिए, माई तू ले ले। बोले नहीं आज मैं कुछ नहीं लूंगी, तू बहुत महंगे रेट लगा रही है। बोले ये बता मुझे पालक धनिया फलाना ये क्या देगी, तोल ताल के उसने कहा कि ये गट्ठा दे दे मुझे धनिये का पुदीने का, क्या होता है मुझे नहीं पता, पुदीना धनिया कुछ लगा लो, मुझे सब हरे हरे पता है। तो उसने कहा ये पुदीना ले लो माई, 4 रुपए की गट्ठी दूंगी। बोले बहुत महंगी है, मैं ना दूंगी 1 रुपए से ज्यादा। बोले अम्मा कैसी बातें कर रही है, इतनी दूर हम जाते हैं, चल के जाते हैं, टांगे टूट जाती हैं, दे दो। बच्चा देख रहा था, बोले यार मम्मी तो मेरी बड़ी क्रूर है, 4 बोल रही है, 1 रुपया उस बिचारी गरीब को देखो, चल के आती है घर में, आज ले भी कुछ नहीं रही, वो थकी कितनी है। बच्चा सोच रहा है, वो माँ लुड़ी लड़ रही है, नहीं मैं 1 रुपए दूंगी। बोले अच्छा माई तेरे लिए 3 रुपए लगा दूंगी, तंग मत कर तू, ले डाल, मैं आई हूं, बोनी खराब ना कर, इस घर से खाली ना जाती मैं। बोले नहीं 1.5 रुपए दूंगी। बोले ये क्या बात हुई, मैं घटा रही हूँ रुपया, तू बढ़ा रही है 50, ऐसे ना कर। तो बोली मैं ना दूंगी तुझे, मैं 2.5 रुपए से कम ना दूंगी। बोले जा फिर दफा, वो टोकरा लेके चली गई। थोड़ी देर बाद फिर वापस आ गई, बैठ गई धम से, बोले अरे कुछ तो दे दे, ला 2 ही रुपए दे दे, खत्म कर। उसने कहा ठीक है 2 रुपए ले, दफा हो गया। 2 रुपए लिए, उससे गट्ठा लिया पूरा, धनिया पुदीना पालक का होता है जो भी है लिया, अंदर आ गए। इतनी देर में बाहर धम से आवाज आई, देखा तो अम्मा गिरी पड़ी है। वो बच्चे ने देखा मेरी माँ ऐसी पागलों की तरह पुदीना धनिया क्या था फेंका परे साइड, और उसके पास पहुंची और फटाफट उसको पोंछा पाछा, उसके पसीने उतारे, पानी लाई, पानी पिलाया, बोले बैठ मैं दवा लाती हूँ, खाना ला, उसके लिए खाना बनाया, खाना खिलाया, बढ़िया से उसको बाहर एक बिछौना डाल के लिटाई दिया घर के बाहर। बोले लेट जा रेस्ट कर। बोले और कोई दवाई शवाई चाहिए भी तेरी सब अरेंज कराती हूँ। डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर से 50 रुपए का टीका लगवा लिया, 100 रुपए की दवाई खरीद दी, वो भी दे। अब वो अम्मा ठीक ठाक होकर चली गई 2-3 घंटे में। बच्चे ने बोला मम्मी ये क्या कर रहे थे आप, ये क्या ना पाएंगे साला, 50-50 पैसे के लिए तरसा दिया उस बुढ़िया को, और यहाँ 150-200 का खर्चा कर दिया, ये क्या तमीज है। माँ ने बोला बेटा व्यापार में कोई दया नहीं और दया में कोई व्यापार नहीं, अगर ये समझ लिया जीवन में तो बेटा ये कमीना बनने का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। दया बीच रास्ते में मत लाओ, कमीने बन के रहो। आपको गाली पड़ रही है वो भी ले लो, सब ले लो, आपके जीवन के अंदर आप डुल गए, दूसरा आपसे ऊपर के चक्र पे है, कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, सबसे ऊपर के चक्र पे है, उसे को हिला के दिखाए। जो ढीठ ने मान लिया जान लिया, शत्रुता किसी से करनी नहीं, कमियां किसी में ढूंढी नहीं, अपना कर्म किया और तुम्हारी जेते ही फेरो, साले दूसरों से मरवा दिए जो मरवाने थे। कैसा कमाल है यार, ये क्या दिमाग है, ये कैसा है कृष्ण, एक तरफ खुद खड़ा है, एक तरफ उसका घर, दूसरी तरफ मैं कदा कुछ था, एक तरफ कृष्ण खड़ा है और उसके सेना दूसरी तरफ खड़ी, ये क्या है यार, ये क्या कैरेक्टर है। कर सकते हैं आप ऐसा, अपना सर्वस्व त्याग सकते हैं आप खुद सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, इतना त्यागी। राम त्याग, क्या त्याग है राम का, त्याग डाला घर, जेते फेरी साले, मर्यादा की पराकाष्ठा कर जानी, 12 कला संपूर्ण है। बुद्ध छोड़ डाली पत्नी बच्चे, कोई महान काम है, चख लिया देखा मुंह में पानी आता ही नहीं, फायदा ही कोई नहीं, मजा नहीं। हाँ जी सर, स्मार्टनेस चीटिंग और फॉर्जरी में क्या डिफरेंस है। स्मार्टनेस वाला कमीना
चीटिंग वाला कमीना, देखो ये सब ना गधे को बाप बनाने वाली बात है कि यार मतलब के लिए गधे को बाप बनाया। बहुत से ऐसे गधे हैं जो बाप बन जाएंगे, आप उन्हें ठग लोगे पर वो रिश्ता कभी नहीं चलेगा। अगर आप किसी को भी यूज करोगे जान लो, अगर वो आपसे बड़ा कमीना है आपको पता भी नहीं चलने देगा आप उसे यूज कर रहे हो, क्योंकि वो इंतजार करेगा, कॉस्मोस आपको उससे दूर कर देगी, अपने आप ऑटोमेटिकली उड़ा देगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। आप किसी को यूज कर ही नहीं सकते, आप किसी को यूज करोगे ना अबे मतलब निकाल लो अपना, खत्म करो यार, आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा उससे अपने आप, कुछ टाइम में अपने आप हो जाएगा, यूं ही लड़ाई हो जाएगी और वो महान कमीना होगा जो आपको पता भी नहीं लगने देगा कि मैं लड़ा, क्योंकि उसे पता है कॉस्मोस उड़ा देगी। कह रहे कमीनापन मेटीरियली यूज होगा कि स्पिरिचुअली, कमीना एक एनर्जी का खेल है कि एनर्जी की कोई कमी ना है, ये स्पिरिचुअल ही है, स्पिरिचुअल लेवल पे। मटेरियल तो उसी से बनता है, आपके माइंड में कितनी पावर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है, अपने माइंड को सब कुछ दो वो और विकसित होगा, और माइंड ही आपकी भाग्य को लिखता है, माइंड ही आपके भाग्य को बनाएगा, आपका जीवन आप खुद बना सकते हो। इस माइंड को सबसे मिलने दो, सब काम होने दो, आप क्रूर भी इतने हो के पूछो मत ना, और आप दयावान भी इतने हो के पूछो मत ना, पूछ ही लो तो अच्छा, आप में कोई कमी नहीं है, आप हर चीज के मास्टर हो, आप सब कुछ करते हो, ओके करते हो, यस, आपके जीवन में क्लेश ही नहीं, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये मैं आपको जेन्युइनली बता दूं, जितनी लेडीज, ये फैक्चुअल मैं लेडी के पॉइंट से बता रहा हूं, मेरे पास किससे आते हैं बहुत, लेडी कहती है मेरे हस्बैंड दारू पीता है, सिगरेट पीता है, बाहर अय्याशी करता है और लड़कियों को देखता है, घूमता है, भटकता है। ये बड़ा रेयर किस्सा है, रेयर, जो लेडी एक्सेप्ट कर लेती है अपने आप के, ठीक है यार दफा कर, कोई बात नहीं, इसका करो। उसका हस्बैंड आने वाले समय में दारू छोड़ देता है, शराब छोड़ देता है, बाहर लड़की छोड़ देता है, अपने आप छोड़ देता है। ये जरूर है कि कुछ टाइम भोगेगा, पूर्व जन्म का लेन देन करेगा, लेकिन फोटोकॉपी नहीं बनेगी, उसका सब कुछ छूट जाएगा। एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करने की बहुत बड़ी कमी है। एक्सेप्ट कर लिया ये कमी भी ना रही। एक्सेप्टेंस, जीवन को जानना, एक्सेप्ट करना, मानना, मानती नहीं। आप कहते हो गरीब लोग से बार्गेनिंग मत करो, अगर अभी आप बता रहे हैं कि वो लड़की और उससे बार्गेनिंग करेगी, मैं मेरे पे सीधा प्रहार करते हुए कहा है विपक्ष ने, गरीब लोगों से आप कहते हो बार्गेनिंग ना करें, और अभी आपने कहानी बताई कि ये ऐसे किया। आप गरीब से बार्गेनिंग कर लो, बाकी जगह दया के कार्य में व्यापार मत करो। हम दया के कार्य में व्यापार करते हैं, दान किया भाई, मैं यार वो एक वृक्ष वाला मिल गया था उसको मैंने यार पैसे दे दिए यार, वो मंदिर था यार, मैंने कहा चार ईंटें डलवा दो, बंद कर दो ना, करो बार्गेनिंग, मैंने दोनों ही चीजें उड़ा डाली, क्यों मत करो ना बार्गेनिंग, दे दो उसको, कमाने दो साला, फालतू के पुण्य कमाने के चक्कर में लग रहे हो, उसकी आह मत कमाओ, पाप मत कमाओ, ये पाप और पाप की आह, हालांकि पाप पुण्य कुछ नहीं होता, आई मत कमाओ ना, पुण्य चाहिए क्यों, किस लालच में फंसे हो, मोक्ष का लालच है, स्वर्ग का लालच है, अम्मा दफा करो साला, ऐश करो, पार्टी करो। बीवी नहीं करने देती, किसकी बीवी करने नहीं देती, हमारा प्रश्न ये है, इस पे गौर देना पड़ेगा कि किसकी बीवी है जो उनको पार्टी नहीं करने देती। यदि बीवी भी ये जान जाए, एक्सेप्ट करे, तो पति स्वतः मोल्ड हो जाएगा। मुन्ना को मजा ही नहीं आता अगर उसे रोका टोका ना जाए। आप अपने बच्चों को रोज टोकिए, सिगरेट नहीं पीनी, सिगरेट पीस पिएगा, छुप छुप के पिएगा, चोरी से पिएगा, आप उसे बोलेगा पी मर, वो 10 पिएगा, 20 पिएगा, खत्म करेगा, थोड़े दिन में बोर हो जाएगा, लेकिन असल में मजा ही नहीं आता। मुन्ना का बड़ा कमाल का हरकत है, वो बोर हो जाता है। बच्चे खुद के ऐसे अपने होते हैं, हमारे बच्चे अपने माँ बाप के क्लेश करते हैं, तुमने मुझे रोका टोका, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं माँ बाप, ये कृपा मानो तुम्हें कोई टोकने रोकने वाला बैठा है, बड़ी दया है, माँ टोक रही है, बाप टोक रहा है, भाई टोक रहा है, बहन टोक रही है, कौन टोकता किसी को, किसको पड़ी है साला मरने को, किसी को नहीं पड़ी है। ये बहुत बड़ी बात है कि माँ बाप टोक रहे हैं, बहन टोक रही है, भाई टोक रहा है, ये है कमी नहीं, उसको पकड़ के रखना, जकड़ के, गलतियां भी करेंगे, कमियां भी करेंगे। हाँ जी, कोई टोकता है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होता, खुद से भी नहीं होता, फिर वो रिवोल्टनेस आ जाती है, टोकना एक्सेप्ट नहीं होता कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद रिवोल्टनेस आती है, तो ये कमी है, ये कमी भी ना रखो, कोई टोक रहा है टोकने दो, कोई फर्क नहीं, इस लायक ब्रेन को बनाओ कि कॉस्मोस करा के देगा आपको, ब्रह्मांड करा के देगा, कृष्ण का हाथ आपके पीछे चलेगा। आप कहते हैं इस लायक ब्रेन को बनाओ, और इसके लिए तो या तो नीतियां पढ़ाओ, बड़ी सुंदर बात, इस लायक ब्रेन को बनाओ, इसके लिए नीतियां पढ़ाओ, आपके ब्रेन को जिसमें मन रहता है मुन्ना, इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए दुनिया बैठी है, हर किसी से इंटरेक्ट करो, हर किसी को जानो, हर किसी के सामने एक्सेप्टेंस लाओ, अधिकार क्षेत्र की रक्षा करते हुए हर एक से सीखो, बच्चे से सीखो, फिल्म देख रहे हो उससे सीखो, हमारी 50 में से 25 क्लास तो फिल्मों ने दी है उसमें, स्पिरिचुअल छुड़ा हुआ, जुटा हुआ क्या नहीं है, आप सबसे सीखो ना, ये विकसित होता चला जाएगा, वीक शिट नहीं कह रहा मैं।
विकसित हर चीज का विकास संभव है। आप करो, कैसे करोगे? समझो तो, सुनो तो, फॉलो तो करो, ना बहस ना बहस ना बहस। ये बहस मारती है, ये टोकना मारता है, ये कमी है। कृष्ण में कमी ही नहीं है, उसने ये भी एक्सेप्ट किया, वो भी एक्सेप्ट किया, मृत्यु भी बड़ी मजे में एक्सेप्ट की, गंधारी ने शाप दिया यादव कुल नाश होगा, ये भी एक्सेप्ट कर ली। खत्म करना साला लीला है, क्या करना है, कितना आनंद होगा जीवन में, कितनी मस्ती। गर्लफ्रेंड फ्री गिफ्ट, आप बैंकॉक के लिए परेशान होते रहते हैं, इसके लिए अलग से बात करें। अपने जीवन के अंदर राइट रीड करो, समझो। लास्ट एक चीज बताया तो फिर दी एंड ऑफ द फिल्म करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है बहुत ज्यादा। आईफोन सर, आईफोन आई पहन लेते लोग, आई पहन लेने वाले लोग गामा पे होते हैं 90%। गामा ब्रेन की वो ब्रेन स्टेज है जिसमें लड़ाई होती है, गुस्सा आता है, क्लेश होता है, चींचापाड़ा। आईफोन एक एग्जांपल है। जिस व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व में एनर्जी के तौर पे शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान नहीं है, वो कहता है मैं तो कंगला हूं। तो मुन्ना क्या कहता है, उसे कहता है धांसू सी घड़ी ले ले, ब्रांडेड कपड़े ले ले, महंगा पर्स ले ले, ऐड कर ले अभिमान अहंकार की चीज, आईफोन ले ले। किस्तों पे आईफोन लिया जाता है, बच्चे किस्तों पे आईफोन लेते हैं अक्सर, जरूरत नहीं है। फोन की बात नहीं करनी है, फोन तो 2 रुपए 2000 का भी आता है, लेकिन क्यों लेंगे वो 80-90 हजार का आईफोन, सिर्फ दिखावे के। ये एडिशन है, क्या है दिखावा, जो ये दिखावे के जीवन पे चलता है कि महंगे पर्स, महंगी गाड़ी, फलाना ढिमकाना, उसके जीवन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्रोध बढ़ जाता है। गामा पे रहने वाला, और वो पिटता जरूर है, फिर वो बाहर से चीजों का जुगाड़ करता है और प्रेम खो देता है। गामा पे रहने वाला लड़ता रहता है, क्रोध में रहता है, शरीर में बीमारियां व्याधियां आती हैं, रक्त के विकार होते हैं ऑटोमेटिक। गामा के पहले बीटा है, बीटा वेव्स बहुत अलर्ट है, गामा की क्लेश वाली है। आपका अहंकार बढ़ाने के लिए, अपनी औकात जताने के लिए आपको आईफोन ही चाहिए, ये एक स्यापा जिसका बनता है, फेसबुक पे डालना ही है शोशा। सबके घर में क्लेश है, सब झगड़ते हैं। पास मेरे पास आता ना कोई, कहते हैं ये है वो है, 2 मिनट में रीडिंग हो जाती है, खुद से बहुत लगता है इंसान। मैं ठोक के कहता हूं आपको बीपी की शिकायत, कहते चीज पता चल जाती होती है, ऐसी बात है चीज पता चल जाती है, आप खुद से लड़ो, बीपी होएगा। एम ए निकाल निकाल के देते बंदे, कहते यार यू नो फेस रीडर यू नो, तो फिर फोटो दिखाते हैं, इनकी फोटो में कहते फेल कर दिया, बंदे से तो मिलवाया नहीं और आप तो समझ नहीं आई। आपका आईफोन गामा पर लेकर जाता है आपको, ऐसे आईफोन की तरह कोई भी चीज गामा पर ले जाती है, आपकी लाइफ कूड़ा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बता सकता मैं, मुझे अभी ध्यान आया जो आज क्लास की चीज बता रही है। हम एक फैमिली ट्री की बात करेंगे अगली क्लास में, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन टाइम की कमी नहीं है इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। अब हमारे को कमी ना बनने के लिए करना क्या है, कमी ना बनने के कुछ सीधे साधे बेकार से असूल। पहला, कभी भी प्लानिंग मत करो, इस पर प्रश्न उत्तर ना खेलें, हल्ला मचा के फॉलो करें, चुपचाप तो करेंगे नहीं, प्लान नहीं करें नेवर, क्योंकि अगर ये समझाने बैठ गया मैं तो मैं खड़े खड़े थक जाऊंगा, 2 घंटे पूरे लगेंगे। इसको आंख मूंद फॉलो करना, सक्सेस आपके पैरों पे होगी 6 महीने के अंदर, 6 क्यों बोल डाला, 3 में भी आ सकता, पर टाइम लोगे फॉलो करने में, 3 महीने में ब्लड मेमोरी में डालोगे, उसके अगले 3 में इंपैक्ट आएगा। प्लान कभी नहीं करो, नेवर डिस्कस नेवर डिस्क्लोज, कभी किसी को बताओ मत, कभी डिस्कस मत करो, डिस्कस करना ही नहीं है। याद रखो क्या काम करना है, अंदर पेट उबलता है बता ही दो, और भाई क्या चल रहा है आजकल मांगेराम, यार कुछ नहीं, वो अपनी बात चल रही है यार, एक जगह वो टेंडर सा मिला अपना, यार लग रहा है फैक्ट्री में ये बना रहे हैं अपन लोग, और गोलगप्पे 4 रुपए पर प्लेट जो भी। नेवर डिस्कस और डिस्क्लोज, किसी हालत में डिस्कस नहीं करना, डिस्क्लोज नहीं करना। नेवर कमिट, एक उसूल समझ लीजिए, इसकी बहुत डिटेल हो सकती है, इसी पे हमारी 2 घंटे की क्लास होगी, लेकिन चुपचाप फॉलो करोगे यदि तो जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी, सत्यवान की दूसरी धमकी आ चुकी है। नेवर कमिट, कमिटमेंट करते हैं आप भाई साहब मंगलवार 4, ये अपने जीवन में देख लेना, 1% से ज्यादा लोगों के साथ ये नहीं होता, 99 के साथ यही होता है। आप कमिट करोगे मंगलवार 4 बजे भाई साहब ये दे देंगे आपको, अब वो बुधवार को 6 बजे ही होगा, होएगा ही नहीं। अब हम ये सिखा रहे हैं कि यार मंगल 4 क्यों, सोमवार को ही 2 बजे हो जाए, पहले ही हो जाए, कॉस्मोस करके देगा। अब वो कैसे देगा, ना पचड़ो पड़ो, 2 घंटे लगेंगे पूरे। नेवर कमिट, कमिट मत करो। अब आपने कमिट कर दिया ना यार मंगलवार 4 बजे कर देंगे, फिर सोचो दफा कर साला 4 बजे मंगलवार होना तो है, खत्म कर, आपकी कमांड खुद ही बॉश कर दी आपने, कॉस्मोस करके देगा अपने आप। अब नहीं हुआ, बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर बेइज्जती ही होगी, अनवांटेड वांट मत बनाओ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मजाक नहीं है। गलती से भी कमिट नहीं करो, नेवर काउंट मनी, धन गिनो नहीं, समझना पड़ेगा। आपका ये लॉकर है, दराज है जिसमें आप पैसे रखते हैं, इसमें पैसे आपने रखे, आपके पास 1,00,000 रुपए हो गया, 50,000 की 2 गड्डी है, अब आपने 2 गड्डी 50,000 की इसमें रख दी, अब आपके मुन्ना को पता है 1,00,000 है, गए बोर जाएंगे, अजमा लेना वो गए,
अब इसको रखें कैसे, वेरी चीप, वेरी वेरी चीप आंसर। आप अपने पर्स में से खुले पैसे निकालो थोड़े से और इसमें डाल दो। अब वो मान लो 1500 रुपया है, 1500, 1680 रुपया कुछ है, पता नहीं कितने हैं। अगर आपको ये नहीं पता ना तो मुन्ना को फिगर नहीं पता, उसे 1,00,000 पता है लेकिन वो छेड़ नहीं पाएगा इसको। मुन्ना को एग्जैक्ट टाइम चाहिए होता है, दादाजी तथास्तु तभी करते हैं। आप इसमें 16 कुछ पैसे डाल दो, कुछ आपके पैसे टिकेंगे, कभी भी नहीं निकलेंगे बाहर। ऐसे हस्बैंड सोते हैं या वाइफ्स होती हैं, वो ना हस्बैंड को थोड़े टाइम बाद बताती है, सुनो मैंने ना आपके पर्स से धीरे धीरे चोरी करके 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। बस उसने हस्बैंड को बताया और 2 दिन में गायब। चाहे हस्बैंड ले जाएगा चाहे खुद ही खर्च देगी, पता नहीं क्या होता सला। उसे पता नहीं होना चाहिए कितने हैं, होंगे 10 के आसपास। सेम चीज आपके बैंक अकाउंट के होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए है यार 3,01,00,000 रुपये पड़े हैं, पता नहीं कितने। आपको पता 3,25,486 रुपये पड़े, आप गए गए। ये क्यों होता है, इस पे क्लास नहीं कर सकते। धन गिनो नहीं, हिसाब मतलब गड्डी चेक कर लो, 50-50 की 2 गड्डी चेक कर लो, वो गिन लो। गिनो कहा नहीं, दिमाग में हिसाब, पेमेंट आते तो गिनते ही लो। हाँ पेमेंट गिन लो, फिर कहाँ कितनी रखी पता नहीं। ऐसे मूर्ख आप, बेवकूफ हो आप, मूर्ख हो आप, नलायक हो आप, फालतू समझदार मत बनो। बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ कितने पैसे पड़े हैं, उनका अकाउंटेंट को पता होता है। और अकाउंटेंट बुलेट ट्रेन बनाता है, अपने लिए नहीं बनाता, वो जापान के लिए बनाता है, वो बन जाती है। जापानी बुलेट ट्रेन जापान के लिए बनाते हैं, हम बुलेट ट्रेन अपने लिए बनाते हैं, इसलिए वो बनती नहीं। ये लफड़ा हम जुड़ जाते हैं रिजल्ट से। हिसाब लिखे नहीं, हाँ जी, ऐसे अकाउंटेंट के मालिक बुलडॉग जैसे होते हैं, जैसे मर्जी हुए यहाँ से ऊपर के चक्र पे होना चाहिए। हाँ जी, अगर लिखेंगे नहीं तो कैसे लेन देन होगा, पहुंच रहे तो पेशेंस की कमी यही यही चाहिए कमी ना बनने के लिए। आपको किसी ने बुरा बोला भला बोला, वो उसके मुंह से बोला, उसकी ऊर्जा उसे खुद मारेगी, आपको फर्क नहीं। आप ढीठ हो, घर में लड़े जा रहे हैं, इसने मुझे गाली बकी, 2 भाई लड़ मरे, एक ने दूसरे को गाली बकी, उसने कहा छोड़ यार मरने, उसी का एक्सीडेंट हुआ, उसी को चोट लगी 4 दिन में। आप क्यों गुस्से का जवाब गुस्से से दे रहे हो, गुस्से का मतलब प्यार से दो, बंदा तबाह हो जाएगा। आपकी पत्नी से आप ना लड़े, पत्नी से लड़ना नहीं उसे हराना है, कुछ तो ऐसे ही था। हिसाब लिखे नहीं, ये बात नहीं समझ आई मुझे। अरे यार ये देखो अलमारी बना रहा हूं अभी, यार ये अलमारी, पेशेंस की कमी, कमीने कैसे बनोगे। आपने यहां लिखा आने हैं इतने पैसे, जाने हैं इतने पैसे, 7,00,000 आने हैं, धीरे धीरे जोड़ के कर दिए, जाने भी है 7,00,000। बढ़िया हो गया यार, क्रॉस हो गया। आह जिस जिसने ये किया है उसकी जिंदगी में जाने वाले 7,00,000 वहीं खड़े रहेंगे, आने वाले फंस जाएंगे सारे। सिर्फ पेन से लिखने मात्र से ये एक ग्रह होता है बुद्ध, इसे एक्टिवेट कर देते हैं हम, इसकी बात हम नहीं कर सकते, बहुत लंबा है, वैसे आप बहुत बोर हो रहे हैं। इसे फॉलो करो, फॉलो नहीं समझ आ रहा, फॉलो नाम से क्लास देगी। आने जाने वाले लिखो मत, आपने हिसाब लिखा कहीं आ रहा है कुछ पैसा, इससे इतने आ गए, इससे उतने आ गए, डायरी में लिख लो सारा, करो ये ना करो। जब भी ये करोगे इस महीने कितने आए पैसे, कितने खर्च हुए, लिख लो यार, अगले महीने से बरकत खत्म हो जाएगी। जैसे अकाउंटेंट डेली बुक लिखता है, आज 70 बहुत बढ़िया, अकाउंटेंट डेली बुक लिखता है, 70 आए 50 आए, वो अपने लिए नहीं आपके लिए लिख रहा है। अपने लिए जिस दिन लिखेगा वो भी रोएगा, आप अपने लिए नहीं लिख रहे, आपका अकाउंटेंट लिख रहा है। ये कह रहे बीवी को बोल दे किसी और, आप खुद भी लिखें और इस लायक नालायक हैं तो ग्रह हिलेगा नहीं। सितारे आपके 10 ग्राम को उठाते बिठाते हैं, आपके लिखते ही आपको यार तसल्ली दे देगा, ये उम्मीद तसल्ली बताना खुशी, वो फटाफट तसल्ली दे देगा, यहाँ यार 70 पड़े 50 हो जाएंगे दे देंगे। उन लोगों के भी जुगाड़ हो जाते हैं जो ये कहते हैं आ जाएंगे यार दे देंगे यार, देखा आपने भी काम किया बिजनेस किया, आपको लाइफ में 20 बार जुगाड़ हुआ होगा, सबको होता है। आप उस समय ये रीड नहीं करते कि मेरी मनोदशा थी क्या यार, जुगाड़ हुआ कैसे, हम फोटोकॉपियां बनाने में लगे हैं। कभी भी लिखना नहीं है हिसाब, लिखो याददाश्त के लिए लिखो, याददाश्त के लिए लिखता हूं, गुल्लू से 20 लेने, टिल्लू से 50 लेने, मल्लू से इतने लेने हैं, ये लिख लो भूल जाओ, उसके हिसाब मत बनाओ, लेने हैं याद के लिए लिख लिया खत्म, उसके हिसाब और किताब मत बनाओ। इन्होंने लिखा कि मुझे चेज करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, क्या देते हैं, ये अलग टॉपिक क्लास हो जाएगी कि पैसे कैसे निकल वाए, ये अलग टॉपिक है। अगर सर, अगर सर किसी को पैसे किसी के देने उसी में आग लगती है यार, इसके पैसे देने हैं इसको दो फटाफट पैसे, तो क्या उसके इनटेक आने वाले भी। इन्होंने बोला है कि किसी के हमें पैसे देने हैं और आग लगती है, इसका मतलब है वो आदमी क्या सोच रहा है, ये अलग क्लास होगी, वो ये सोच रहा है आ जाएंगे यार इससे पैसे, मुझे जल्दी नहीं है,
वो कितनी ऊर्जा पे खड़ा है, 10 पीस आ जाएंगे सारा दिमाग तो आपको 90% आग लगी हुई देने की। वो कहेगा ना पैसे लेने 90 लगा दी, आप कहोगे देने तो है दिए नहीं जा रहे यार, इसी के नहीं दिए जा रहे। ये ट्रेवल करता है कॉस्मोस 100 के अंदर, अंतरिक्ष प्रकृति की वाट लगा देगा, क्योंकि ब्रह्मांड के लिए कॉस्मोस के लिए नेचर इतनी सी है, चुया अंतरिक्ष से मिलो उससे जुड़ो, वो करा के देगा आपको सब कुछ। भगवान को शेयर नहीं देना, भगवान को नो शेयर, इसको तरीका समझ ले। दसवंध किया जाता है वो करो, नॉट अ प्रॉब्लम, शेयर देने ये वाले ढील हो जाना तो इतने पैसे भगवान तेरे मंदिर में चढ़ाऊंगा, एक दो डिले होंगी सारा पैसा फंसेगा उसके बाद। क्यों फंसेगा, कैसे फंसेगा नहीं बता सकते, टाइम की कमी नहीं है। जो लोग भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, वो अहंकार उठा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी जेते फिरेगी। और चलिए डिफरेंट होता सर इससे, चलिए अभी डिफरेंट तो चलिए अभी बेला टाइम पास है, पर वो काम कर जाता है, इट वर्क्स भाई। अब चलिया आ गया, इनका नई बात कर दी इन्होंने, बीच रास्ते से मुझे पगडंडी पे चेंज कर दिया है, चलिया काम करेगा। अब आपको मैं बता दूं, आपको काम कराना है। मोदी जी आजकल बहुत तगड़ा काम करा रहे हैं अपना ब्रह्मांड से, पता है आपको? किसी ने नोटिस किया? मैंने किया, मैं कर लिया हूं इसको, मैं देखा और जान लिए क्या हो जाए। मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ा रखी है, मोदी जी ने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है, उन्होंने अंदर संकल्प किया है कि ये दाढ़ी मैं तब कटवाऊंगा जब वो होगा। टाइम लाइन में ईश्वर के साथ जुड़ गए हैं, ईश्वर के साथ उन्होंने सौदा किया है, बहुत तगड़ा सौदा चल रहा है कोई, कि ये दाढ़ी तब कटवाऊंगा। आपको काम कराने हैं, कहां ले जा रहे हो, क्लास खत्म नहीं करके राजी, एक तो आप एक तो मैं आपसे सुखी हूं, ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन बच्चे भी करते हैं, सब करते हैं। मैं मीठा छोड़ दूंगी, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाए, वो जाता है, वाकई जाता है, आपको छोटे तरीके बता रहा हूँ। पेमेंट दे रहे हो ना, आप ऑलरेडी दे रहे हो, आपने दे रहे हैं जी, क्या जी, क्या जी, खुद ही बता रहे हैं। हाँ, आप पितरों को बाल देते हैं, आपको पता नहीं है, ये बहुत बहुत वैल्यूएबल है कि आपने अपने उसमें कट नहीं, कांची नहीं लगाई है, कैंची ग्रह होता है, केतु होता है, कहाँ कहाँ जा रहे हो मैं क्या बताऊँ अभी, ये बहुत सीक्रेट बातें हैं, ये जो मैं खुली बता रहा हूँ, जो मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है। पॉइंट क्या होता है, आप जब पितरों के लोग जाते हो, पितरों से बात करते हो, गया जाते हो, श्राद्ध करते हो, पितरों से ट्रांजेक्शन लेते हो, जब पितरों से आप ट्रांजेक्शन करते हो, गया जाते हो, तो वहां पंडित आपसे फल छुड़वाता है कि ये फल छोड़ो, क्यों छोड़ो, कभी सोचा है किसी ने क्यों छोड़ो, ये पेमेंट है। आप कहते हैं आज के बाद केला नहीं खाएंगे, आपने छोड़ा हुआ है, आपकी रक्षा रहेगी, आप 10 साल एक परेशानी में होंगे लेकिन रक्षा रहेगी उस 10 साल तक आपकी, लगातार आपने वो फल त्यागा, जब वो काम पूरा होगा केला खा लो, आपको कोई काम आज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एक चीज छोड़ो, छोड़ के देखो प्यारी चीज अपनी को, प्यारी चीज छोड़नी है, ये नहीं कि ड्रैगन फ्रूट छोड़ दें, बैंकों की मिलता है, यहां तो आता ही कम है, तो छोड़ा का खा के छोड़ा उसे, वो तो छोटी छोटा है, वो तो वैसे नहीं आ रहा आप। हाँ जी, काशी में ऐसा बोलते हैं कि अगर काशी में दर्शन करने के लिए जाओ तो एक जो चीज आपको बहुत पसंद है वो छोड़ के आनी है। हाँ, इसका मतलब यही है ना। हाँ, काशी में दर्शन के लिए जाओ तो एक चीज कहते हैं अपनी प्यारी छोड़ के आओ, इसका यही मतलब है कि आपने डील की है, आपने अभी भी डील की है कि जब आप इसको छोड़ते हो तो आप एक डील करते हो और उस डील के तहत ईश्वर आपको कुछ देता है, कॉस्मोस, ये सब कॉस्मोस से डील है। हाँ जी, भगवान को नो शेयर। हाँ, कुछ लोग अपने जीवन में जो कमाते हैं उसका 1% 10% वो नहीं करना, इन्होंने कहा कि कुछ लोग जीवन में भगवान को अपना 1% 10% देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने जो भगवान बनाया वो नकली है, अब इसकी बात मैं नहीं कर सकता इस टाइम, ये प्रश्न लिख के रखो तो अगली क्लास में कब तक मारते हैं, ये प्रश्न दो मुझे, क्योंकि इसका उत्तर इतना लंबा है कि कम से कम 1 घंटा लगा दूंगा मैं। अभी मैं फैमिली ट्री खा गया, यही चीज बहुत बड़ी खा गया। हाँ जी, किसी से डिस्कस डिस्क्लोज, माँ बाप भाई बहन जो करोगे, आपने किया आज तक कुछ हुआ है, एक भी काम नहीं होगा, एक करके दिखा दो, इसके पीछे की क्या साइंस है, क्या पता है, समझाए, ये डिस्कस डिस्क्लोज नहीं करना। भगवान को शेयर नहीं देना, परसेंटेज काट कूट के इसे आप पे नहीं डालने, उसके बाद याद ही नहीं आ रहा। सर, आपने एक वो हाउ मच इज मनी लाइन में बताया था कि कमाई का 8 हिस्सा मतलब दशमन से बला लो या दान करना है, तो वो इससे करेक्ट होगा? जो दान करना है ना, मैं बताया 8वां हिस्सा दो, दशमन दो, वो दान करना है मर्जी का दे दो, वो भगवान के टिप्पे टापड़े में डालने की जरूरत नहीं है,
वो दान है किसी को दिया मदद की और भूल गए दान का अर्थ क्या है, पहले दान की क्लास देखना, दान नाम से क्लास है, कि हमने दिया है, हमने दिया ही नहीं है, गया वो अपनी मर्जी से दिया, दूसरे मामा जी छीन के ले गए, वो शत्रु ले गया, आठवां हिस्सा वो अलग है। हमने जो काम के दौरान शेयर बांधते हैं वो हमारे शरीर के किसी हिस्से को खाएगा, ये है इसके पीछे रीजन। और आखिर में कई सालों की अवस्था के बाद हमें जानेंगे कि शरीर खा गया, हमें शरीर का लफड़ा कर गया, ये हमारी दिक्कत होती है। उसके बाद थोड़ा पैसा नाजायज भी कमा सकते हैं, आप जायज नाजायज बना के दिमाग पे जो प्रेशर बार बनते हो वो मरता है, जायज नाजायज कुछ नहीं होता, इस चक्कर में गलती से भी ना फंसे। आपने टैक्स की थोड़ी बहुत चोरी कर ली, एवरीथिंग इज ओके, ये है कमीना, इसलिए कहते हैं बड़ा कमीना आदमी है, साला कुछ ही दूसरे के तो सिर पे रौंद करके चला गया, उसे ढेला फर्क नहीं पड़ा, हाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने नाजायज किया है, रिश्ते का लाभ उठाया, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, ये गांठ बांध लो, बलि तो लेगा, कॉस्मोस हमेशा कुछ लेता है, जो लोग कहते हैं ना फ्री फ्री मिल जाएगा, वैसे फ्री मिल जाएगा, उसके बदले चपत मारता है, प्रकृति छोड़ेगी नहीं, हर जगह होता है इतने किलो इतने हजार इतने का सामान लेने थे, एक किलो चीनी फ्री, वो चीनी फ्री नहीं है, उसके लिए कॉस्मोस कुछ लेगा, आप फंसोगे, आपको कभी कुछ फ्री नहीं मिलता, फ्री के चक्कर में मत फंसो, नथिंग विल है। ये चीजों का सिस्टम बना के चलो, और जब ध्यान आएंगे आएंगे आ जाएंगे, ये सब लिखो मत, सिस्टम बनाओ, बढ़िया रहेगा। नो कमिटमेंट, नो गपशप, नो कैलकुलेशन, ओ गॉड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, नेवर कैलक्यूलेट, नो कैलकुलेशन। आप जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो लिख लिख के एडवांस में, कॉस्मोस उसे बदलेगा ही, आप दूसरे के लिए करो वो हो जाएगा। आपने एक सादी चीज देखी होगी, लोग कहते हैं समझ नहीं आता, मैं दूसरे को शेयर बताता हूँ बढ़ जाता है, अपने लिए खरीद तो लुट जाता है। इसका सीक्रेट जानने के लिए अगले एपिसोड की बात, लेकिन आपको एक गांठ बांधना है कि अपने शेयर के लिए आप खोपड़ी नहीं लगा सकते। कृष्ण अपना युद्ध नहीं जीत सकते थे, वो अर्जुन का युद्ध जीत सकते थे, अपने युद्ध नहीं जीत पाए थे, वो हार गए थे, ये याद रखना। नो कैलकुलेशन, ये डील करेंगे, इसमें इतने आएंगे, इतने का ये कर लेंगे, फिर ये होएगा, वैसे इतने आने बनते हैं, उतने नहीं आएंगे। अच्छा इतने किसके आते हैं, जितने कैलकुलेशन के हिसाब से बनते हैं उतने किसके आते हैं, हमेशा उसके आते हैं जो यहां से गधा कमीना काइया कुत्ता है, सॉरी पर ये कुत्ता जरूरी है, कुत्ता काटता थोड़ी भौंकता है, भौंकने के लिए रखा होता है, पति का कोई काम हो ना हो कम से कम भौंकने के तो काम आता है, दो चार अपने सुन लिए बाकी दुनिया को भौंक भाग के बचाता है, इसलिए यूज द हस्बैंड, मिसयूज भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी किसी यूज का नहीं रहता पुराना होता। कई डील्स में हमें बताना पड़ता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, हाँ तो बोल दो, और बोलो तेरे को बोल दिया हो ना हो बाढ़ में जा, यही तो अर्जुन का युद्ध है कि यहाँ से नहीं जुड़ा रिजल्ट होएगा पक्का, कसम खा रखी हम तो करेंगे। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कहेंगे 20 साल की मेहनत करी मैंने पाया, 20 साल में उसका ये टूट गया, उम्मीद उसकी उम्मीद टूट गई, उसकी तसल्ली हट गई, भगवान से भरोसा भी हट गया। कई लोग मेरे पास आते हैं मुझे चुप करा दो, कई लोग आते हैं मेरे पास के हमारा जी अब तो बस भरोसा ही उठ गया जी भगवान से, मैं कहता हूँ अभी पहुंचा नहीं, अभी मैनिफेस्टेशन नहीं हो गया, अभी टूटेगा, मैनिफेस्टेशन अमृत चक्र करता है जिसकी बात हम कर नहीं पाए, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इनकी खोपड़ी में गिराता है, टाइम की कमी वहां से मैनिफेस्टेशन होती। तो बोलते हैं कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा जी, भगवान से भरोसा उठ गया, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं अभी मुझ पर भरोसा लाओ, फिर वो कहते हैं आप पे भी भरोसा हिल सा गया, मैंने कहा मुझे गाली बको, जब तुम्हारा ये भी भरोसा वो भी भरोसा सब छूट के न्यूट्रल हो जाओगे उस दिन काम होगा, जो जितनी जल्दी न्यूट्रल हुआ उसको हाथों हाथ काम होगा। हमें तोड़ने में ही हम समय लेते हैं, कॉस्मोस तो देने को राजी है क्योंकि हम दादाजी से कनेक्ट नहीं कर रहे, हमें कनेक्शन नहीं आता, बहुत लंबा हो गया अब तो छोड़ो, इसका पार्ट टू कर लो, सवाल है अब छोड़ दो, फिर हो जाएंगे, हाँ ठीक है इसका पार्ट टू कर लेंगे, पार्ट टू पता नहीं करेंगे पार्ट टू में करना क्या, मुझे खत्म हो जाना। ठीक है जी, बहुत बहुत कृपा आप सबकी, इतना समय दिया आपने, इतनी बकवास सुनी, आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, प्रणाम नमस्कार, आप सब जुड़े हुए व्यक्तियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, लव यू ऑल, लव यू, लव यू, नमस्कार। हाँ जी, ओ यस, मैं जाता हूँ रास्ते से, आप अभी तो आशीर्वाद चाहिए मुझे, अरे तैये है ना, आगे कैसे दूंगा, आपसे दूंगा, कभी तो दूंगा।
लूट लिया मिलके उन्होंने ने ये फॉलो कर दो ये उसूल फॉलो। इसमें बहस और छोड़ना नहीं, मैंने बहस भी करते हैं नहीं, इसके लिए माइंड ट्रेनिंग चाहिए ना, माइंड ट्रेनिंग चाहिए। ये ऐसा आसान नहीं है कि बोल दिया हो गया। ये माइंड ट्रेनिंग का खेल है, ऐसे नहीं होता है। लगे वो भी चंदा चंदा जी दरवाजा खोल दो, कर लो प्लान कर लो कैसे बड़े अलग पूछना बता दो। किताब खोलने की जरूरत नहीं, पास कर दो। थैंक यू तो मुझे मिलता ही, थैंक यू मुझे चाहिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बोला आपके पास हमने इतने सारे लोग भेजे, उनका इतना एहसान, तो प्रसन्न अपने नंबर बना दे कि हमने इतने लोग भेजे आपके पास। मैंने कहा सब पे एहसान आप ही ने किया है, सही जगह फंसाए। शांत गुस्सा कम किया करो। बस तो ठीक है, डॉक्टर का चढ़ावा दिया है ना, डॉक्टर का चढ़ावा देना होता है। ये ग्रह है ये करता ठीक, डॉक्टर का चढ़ावा बहुत जरूरी है। तो वाइफ इसे कर लिया करो बेहतर है, सिवाय घमंड के कुछ नहीं कमाया जीवन में। ताल मूवी की याद दिला दिया जा, ताल की हाँ, अनिल कपूर ने भी ऐसे उसमें लगाया था बोर्ड पे। अच्छा उसे लिख के लगाया था, आप देखना ताल मुख फिर देख लूंगा जी। दिल है बेचैन रे, कैसे सोच रही है आपने, मैंने ना देखी होगी। नहीं देखी होगी, मैंने कौन सी नहीं देखी है, मैंने तो घमंड ही ज्यादा है। जिंदगी कम पड़ती है, बहुत जिम्मेदारी है कंधों पे, एंजॉय करने की बहुत जिम्मेदारी। आज ही लूट ले तू चुरा ले सारा ज्ञान, फॉलो करियो फॉलो कर। भगवान है कौन यही तो जानना, यही तो बात आ गया। मैं कौन सा भगवान है वो समझना है बस, कि कौन से भगवान को देना, हम मूर्ति को देके आ रहे हैं।